नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको एक ऐसा घरेलू नुस्खा बताने आ रहा हूँ, सिर्फ शैम्पू में 2 चीज़ें मिलाकर बालों में लगाने से आपके बालों की लंबाई काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगेगी। आपके बाल घने, मोटे और चमकदार बनेंगे। तो दोस्तों, चेहरे की खूबसूरती में 4 चांद लगा देने के लिए बाल घने, मोटे व लंबे होना बहुत ही ज़रूरी होता है। आज हम आपको इसी बारे में उपाय बताएंगे। इसके जरिए आप 100% बिना किसी नुकसान के आप बालों को घना, लंबा और मोटा कर सकेंगे। एक बार दोस्तों, अंग्रेजी दवा तो आपको नुकसान पहुंचा सकती है, लेकिन यह उपाय आपको कोई भी नुकसान नहीं करेंगे। ये एक दवा के रूप में काम करेंगे। ज़्यादातर लोग बालों के लिए बयारू चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, जो कि बालों को कई साइड इफेक्ट भी करते हैं। हम बड़े अंधे हैं क्योंकि हमारे पास आयुर्वेद जैसा ग्रंथ है जिसमें हर रोग का इलाज पाया जा सकता है, लेकिन फिर भी हम इन अंग्रेजी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी मूर्खता होती है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं उस घरेलू नुस्खे के बारे में जो बिना साइड इफेक्ट के आपके बालों को काफ़ी तेजी से लंबा करने के लिए फायदेमंद है। तो इसके लिए दोस्तों, आपको सबसे पहले जरूरत होगी एक खाली कटोरी की। आपको एक खाली कटोरी लेनी है और इस खाली कटोरी में आपको सबसे पहले जो चीज़ लेनी है वह दोस्तों चाय की पत्ती, जो कि दोस्तों आप मेरे पास ये देख रहे हैं, ये दोस्तों चाय की पत्ती है। दोस्तों, आपको क्या करना है, चाय की पत्ती को लेकर इसे पीस लेना है। आप चाहो तो इसे मिक्सी की मदद से या फिर किसी ओखली की मदद से ही पीस सकते हैं। दोस्तों, आपको यहाँ पर पीसी हुई चाय की पत्ती का 1 चम्मच इसमें खाली कटोरी में ऐड करना है। दोस्तों, इस नुस्खे में चाय की पत्ती का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि चाय में कैफीन पाया जाता है, जो कि बालों की जड़ों से इन्फेक्शन को दूर करता है और आपके बालों की जड़ों में जाकर बालों के झड़ने की समस्या को खत्म कर देता है। साथ ही चाय की पत्ती में मेलानिन और कैरोटीन होता है, यह हमारे सफ़ेद बालों को भी काला बनाता है और इसमें विटामिन ई और सी भरपूर मात्रा में पाई जाती है, जो कि हमारे बालों की ग्रोथ को तेजी से बढ़ाने के लिए काफ़ी फायदेमंद होती है। तो दोस्तों, चाय की पत्ती लेने के बाद में आपको लेनी है अगली चीज़ नींबू। आपको एक आधा कटा हुआ नींबू का टुकड़ा लेना है और नींबू का पूरा रस आपको इस चाय की पत्ती में ऐड कर देना है। दोस्तों, हमने यहाँ पर नींबू इसलिए लिया है, नींबू सिर से रूसी को साफ करता है, बालों को मजबूत बनाता है और न जाने क्या क्या कमाल दिखाता है। नींबू में विटामिन सी, बी और फॉस्फोरस भरे होते हैं, जिससे बालों को कोई भी नुकसान नहीं होता और बाल घने बनते हैं। तो आपको आधा कटा हुआ नींबू का पूरा रस इसमें निचोड़ देना है। अब आपको दोस्तों दूसरी चीज जो लेनी है वह दोस्तों नारियल का तेल। आपको यहाँ पर लेना होगा नारियल का तेल। इस नुस्खे में दोस्तों नारियल का तेल सबसे खास है, क्योंकि नारियल के तेल में दोस्तों कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जिन्हें सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। नारियल के तेल में दोस्तों एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल गुण होते हैं, जो आपके बालों को जूट डैंड्रफ और संक्रमण से बचाते हैं। वहीं इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट गुण, जो कि बालों की झड़ने की समस्या को दूर करते हैं। कई बार तनाव की वजह से बालों का झड़ना शुरू हो जाता है, ऐसे में नारियल तेल में एंटी स्ट्रेट गुण भी होते हैं, जिससे बालों का टूटना कम हो सकता है। यह बालों को क्षति होने से बचाता है और बालों को लंबा, घना और मजबूत भी बनाता है। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, यहाँ पर 2 चम्मच के बराबर नारियल का तेल इसमें ऐड करना है। दोस्तों, अगर आपके पास नारियल का तेल नहीं है तो आप यहाँ पर सरसों का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, तीनों चीज़ें हमने लेके तैयार कर ली है। आपको इसे थोड़ा सा चला लेना है, जिससे कि तीनों चीज़ें आपस में मिल जाए। अब आपको लेना दोस्तों अपना फेवरेट वाला शैम्पू। जो भी आप डेली यूज में शैम्पू इस्तेमाल करते हैं, वही आप यहाँ पर शैम्पू ले सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिया है क्लिनिक प्लस शैम्पू। तो आपको इसे शैम्पू को इसमें काट के पूरा ऐड कर देना है इस तरीके से दोस्तों, और इसे आपको अच्छे से चला लेना है, जिससे कि सारी चीजें आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो दोस्तों, ये आपका नुस्खा बनके तैयार है। आप देख सकते हैं, इस तरीके से आपको इसे बनाकर तैयार कर लेना है। अब इसे जो लगाने का तरीका दोस्तों वो ये है, आप जो है इस पेस्ट को लेकर नहाने से आधे घंटे पहले अपने बालों की जड़ों से लेकर बालों के सिरे तक अच्छे से इसकी मालिश करें।
कम से कम आपको 5 मिनट तक अपने बालों की जड़ों में अच्छे से मालिश करनी है। फिर आपको इसे बालों की जड़ों से लेकर बालों के सिरे तक लगाकर 20-25 मिनट के लिए ऐसे छोड़ देना है। और फिर 20-25 मिनट बाद आप सादा पानी से अपने बालों को धोकर साफ कर लें। दोस्तों, इस उपाय को आप हफ्ते में सिर्फ एक बार करें। एक बार के इस्तेमाल से ही आपके बाल काफ़ी घने, चमकदार, लंबे, मोटे बनेंगे। आप देखेंगे आपके बालों की ग्रोथ काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगेगी। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों में शेयर करें। वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, जिससे कि नई नई वीडियो, नई नई जानकारी आप तक पहुँचती रहे। मैं आपके लिए फिर लाऊंगा कुछ ऐसा वीडियो। तब तक के लिए दोस्तों, बाय बाय।